नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संध्या सक्सेना है। मैं माँ लक्ष्मी ज्योतिष अध्यात्म चैनल से हूँ और अपनी वशीकरण की श्रृंखला में है। आज मैं आपको एक नया शिव वशीकरण मंत्र के बारे में बताना जा रही हूँ। शिव वशीकरण मंत्र यानी कि आप इसमें भगवान शिव जी की पूजा करेंगे और उनसे आप अपने जो भी आपकी इच्छा है, जिसको भी आप प्यार करते चाहते हैं, चाहे आपका माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, प्रेमी हो, प्रेमिका हो, पति हो, पत्नी हो, जिसको भी आप, अपने दोस्त वगैरह किसी को भी, जिसको भी आप, टीचर हो कोई भी, जिसको भी आप अपने चाहते हैं कि वो आपके पास आए, आपसे बात करें, उसके लिए आप इसे प्रयोग कर सकते हैं। खासतौर पर लव मैरिज करने वाले लोग जिनके माँ बाप नहीं मान रहे हैं इंटरकास्ट मैरिज के लिए, वो भी इसको प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको मंत्र बता देती हूँ। ये मंत्र है ओम वाच करण शिव रुद्र रुद्र भावे ममाई अमृत कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को आपको कैसे करना है, सबसे पहले सोमवार से आपको स्टार्ट करना है। सोमवार से लेकर लगातार 11 दिन तक भगवान शिव पार्वती के मंदिर जाना है। वहाँ पे आपको भगवान शिव पार्वती की पूजा करना है, जैसे पूजा करते हैं धूप दीप अगरबत्ती नैवेद्य वगैरह चढ़ाएंगे। शिवलिंग अगर है तो वहाँ पे जल भी चढ़ाएंगे, दूध कच्चा दूध चढ़ाएंगे और दीपक पे लगाकर आपको सब करना है। और उसके बाद वहीं बैठकर आपको 1000 बार इस मंत्र का चैंट करना है और कम से कम 1000 नहीं बल्कि आप 10000 करिएगा। अगर आपको रिजल्ट अच्छा चाहिए है तो आपको 10000 बार यानी कि लगभग 10000 मंत्रों का डेली जाप करना होगा और इसको आपको 11 दिन तक लगातार करना है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप एक दिन में 10000 कर लें या फिर आप डेली 1000 मंत्र करें तो आप 11 दिन में 10000 मंत्र हो जाएंगे। तो या तो आपको एक ही दिन में आप 11000 मंत्र कर लीजिए और या फिर आप 11 दिन तक लगातार जाएंगे और लगातार 11 दिन में आपको पर डे 1000 मंत्र करना चाहिए। इस तरह से आपका ये 11 दिन के अंदर ही आपकी ये पूजा पूर्ण होगी और लास्ट में आप वहाँ पे थोड़ा सा प्रसाद वगैरह बांट दीजिएगा लोगों को और भगवान शिव से कहिएगा कि मैंने अपनी अमुक इच्छा के लिए इसको किया है। और याद रखिएगा, हमेशा से मैंने बोला है कि जब भी आप कोई पूजा लगाते हैं तो आप उसको करेंगे क्या, सबसे पहले आप बोलते हैं कि हे भगवान गणेश जी, आपको साक्षी मान के मैं भगवान शिव की वशीकरण पूजा करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। मैं फला फला व्यक्ति को बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ। मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि वो मेरी लाइफ में वापस आ जाए। मैं फला पुत्र या पुत्री फला अपनी फला फला मनोकामना की पूर्ण के लिए भगवान शिव की प्रार्थना लगाने जा रही हूँ, मुझ पर कृपा करें गणेश जी। उसका जय गणेश जी 3 बार बोल के उसके बाद फिर आप ये पूरी पूजा करेंगे, मंत्रों का जाप करेंगे और उसके बाद आप इसका फल देखेंगे। साथ में मन्नत बांध दीजिएगा एक वहाँ कलावा लगाकर कि हे ईश्वर, जैसे ही मेरी मन्नत पूरी होगी तो मैं आपके द्वार में आऊँगा उसके साथ और फिर प्रसाद चढ़ाऊँगा। प्रसाद में आप जो बोलना चाहें बोल दीजिए, चाहे आप कपड़े चढ़ाइए, चाहे आप खाने का कोई सामान चढ़ाइए, चाहे भंडारा कीजिए, वो आपकी मर्जी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। मंत्र मैंने आपको बता दिया है, इस मंत्र से आप लाभ उठाइए। अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको कोई समस्या है तो 8126476399 पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं कुंडली भी देखती हूँ, मैं हाथ रीडिंग भी करती हूँ, मैं फेस और ऑरा रीडिंग भी करती हूँ रीडिंग के लिए। तो अगर आप चाहें तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं।